स्वप्न या सपना एक ऐसा शब्द है जिसके साथ कई बातें जुड़ी होती हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसे हम जागृत नहीं बल्कि निद्रावस्था में जीते हैं, महसूस करते हैं तथा जागने के बाद कई बार ये चीजें हमें याद भी रहती हैं और कई बार हम इसे भूल भी जाते हैं। लोगों की यह हमेशा से शिकायत रहती है कि उन्हें कई बार ऐसे सपने आते हैं जो उस समय तो एक एक दृश्य सही तरीके से बयां करते हैं, लेकिन जागने के बाद उस विशेष स्वप्न के संदर्भ में कुछ भी याद नहीं रहता। इस सपने का एक एक दृश्य धुंधली परछाई की तरह उनके दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन कई बार हमें सपने की हर एक बात याद रह जाती है। सपने में कौन आया था, किसने क्या क्या किया, हमने उनसे क्या बात की और एक सीन से दूसरे सीन में सपना कैसे बदला, हमें सब याद रह जाता है। कुछ सपने बेहद खास होते हैं जो हमें हमारी असल जिंदगी से जुड़ी अच्छी बातें ही सिखाते हैं, इसलिए हम उन्हें याद रख पाते हैं। लेकिन कुछ बेहद खौफनाक होते हैं जो हमें डर से अचानक उठने पर मजबूर कर देते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हम दिन भर अपने मस्तिष्क पर जोर देते हैं, टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और ऐसी चीज़ों का अनुभव करते हैं जो हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, तो वही चीज़ें कई बार हमारे सपने में भी आकर हमें परेशान करती हैं। यानी वैज्ञानिकों की टर्मिनोलॉजी में इसे केमिकल इम्बैलेंस का नाम दिया गया है। लेकिन तब क्या, जब हमारे अपने ही हमारे सपने में आकर कुछ संदेश देते हैं, खास तौर पर वे लोग जो असल जिंदगी में हमारे साथ हैं ही नहीं, यानी कि मर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे स्वप्न में आकर हमसे बातें करते हैं। विभिन्न शास्त्रों एवं मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि मृत लोगों का सपने में आना कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। देखिए, विज्ञान इसका आंसर दे या ना दे पाए, शास्त्र क्या कहते हैं आज की इस वीडियो में मैं वो आपको बताऊंगा। विभिन्न शास्त्रों एवं मान्यताओं में ऐसा कहा गया है कि मृत लोगों का सपने में आना कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। स्वयं साइंस ने भी लोगों के इस तर्क को माना है, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया आखिरकार वह सपने में आता क्यों है भाई? हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार जो इस जीवन में आया है उसे एक ना एक दिन निश्चित रूप से मरना ही है। कोई भी अजर अमर नहीं रहता, हर किसी के जाने का समय भगवान पहले से ही निश्चित करके रखते हैं, बस उसके जाने का मार्ग भिन्न होता है। लेकिन फिर जाने वाले वापस क्यों आते हैं और वो भी हमारे सपने में? सामान्यतः लोगों का मानना है कि जब हमारा कोई अपना हमसे दूर चला जाता है, यानी कि उसका निधन हो जाता है, तो हमें उसका काफ़ी दुख होता है। इस दुखी मन से हम उसके मरने के कितने दिन बाद तक उसके बारे में सोचते रहते हैं। शायद यही कारण है कि वे हमें सपने में दिखाई देते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा बार या फिर बार बार मृत लोगों का सपनों में आना कोई आम नहीं बल्कि बेहद गंभीर बात हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग शायद आपसे कुछ चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं। कहा जाता है कि असंतुष्ट मृत आत्माएं लोगों के सपनों में आती हैं। ऐसा माना गया है कि कुछ लोग जो बिना किसी कारण मौत का शिकार हो जाते हैं, यानी जिनकी इच्छा बहुत होती है लेकिन वो इच्छाएं अपनी पूरी नहीं कर पाते, ऐसे ही लोग शायद अपनी उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के स्वप्नों को अपना मार्ग बना लेते हैं। कुछ मान्यताओं के आधार पर कहा जाता है कि सपने में किसी मृत व्यक्ति का आना एक अशुभ संकेत भी हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद वह व्यक्ति हमारा नहीं रह जाता, अर्थात उसके सभी रिश्ते नाते सभी टूट गए थे जब वह इस लोक को छोड़कर चला गया था। वैसे श्री कृष्ण क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा भगवान की मर्जी से एक शरीर से दूसरे शरीर में अपना स्थान बनाती है। जब तक वह किसी विशेष शरीर में थी तब तक वह आपकी सगी थी, लेकिन उस शरीर को छोड़ने के बाद आपका उससे कोई नाता नहीं रह जाता। यह बात श्री कृष्ण द्वारा महाभारत युग में अर्जुन को समझाई गई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब चक्रव्यूह के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो गई तो उसके शव को देख अर्जुन जोर जोर से विलाप करने लगे। वे श्री कृष्ण से बोले, माधव मुझे अपने पुत्र से एक बार मिला दो, मैं उसे गले लगाना चाहता हूं। अर्जुन की प्रार्थना सुन श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मृत्यु को प्राप्त हुआ वो लौटता नहीं, फिर भी तुम मुझे अति प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने अर्जुन के गांडीव को लिया और कहा, इस बाण पर बैठ जाओ जो तुम्हें सीधा स्वर्गलोक ले जाएगा, वहां तुम अपने पुत्र से मिलकर इसी बाण पर वापस आ जाना। ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण ने वह बाण चलाया। जब अर्जुन स्वर्ग पहुंचे तो देखा कि अभिमन्यु राज सिंहासन पर बैठा है।
उसे देखते ही अर्जुन दौड़ पड़े और पुत्र पुत्र कहने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अभिमन्यु को गले लगाना चाहा, तो अभिमन्यु ने इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी, यानी अभिमन्यु ने अर्जुन को नहीं पहचाना। क्रोध में आकर वह बोला, पुत्र? कौन पुत्र? मुझे क्षमा करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं न किसी का पुत्र था और न हूं। मैं तो एक स्वतंत्र आत्मा हूं, जो मृत्यु लोक में कर्म अनुसार स्वर्ग लोक में आया हूं। अर्जुन शोक में चले गए और वे वापस लौटे और कृष्ण के चरणों को प्रणाम किया और स्वर्ग में हुई सारी वार्तालाप को विस्तार पूर्वक उन्हें बताया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मृत्यु के बाद एक आत्मा किसी की नहीं होती। अब वह स्वतंत्र है। वह तभी किसी से रिश्ता जोड़ती है जब वह पुनर्जन्म लेकर किसी शरीर में प्रवेश करती है। अब श्री कृष्ण की सारी बातें अर्जुन समझ चुके थे, अतः उन्होंने अभिमन्यु से अपने मोह को मुक्त किया। इसी कथा के आधार पर ऐसी मान्यता है कि यदि आपका कोई प्रियजन मृत्यु के बाद भी आपके सामने किसी भी वेश में आता है, बेशक वह आत्मा हो या फिर स्वप्न में आने वाली कोई रूह हो, तो इस बात को आपको गंभीरता से लेना चाहिए। उनका बार बार आपके सपने में आना या दर्शाता है कि वे आपसे कुछ चाहते हैं। हो सकता है वे आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो अक्सर आप भी अगर अपने सपनों में मृत प्रियजनों को देखते हैं, तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इन सपनों से छुटकारा कैसे मिले। शास्त्रों के अनुसार स्वप्न में मृत प्रियजन के बार बार आने की गतिविधि को रोकने का एक ही उपाय है। आप यह जान लें कि आखिर वे क्यों आते हैं। यदि आप उस कारण का समाधान कर लें, तो वे दोबारा आपके स्वप्न में नहीं आएंगे। शास्त्रों में आत्माओं की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के धर्मकांड एवं दान पुण्य की विधि बताई गई है। यदि किसी व्यक्ति को सपने में मृत परिजन या कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो उसे उस मृत व्यक्ति के नाम पर रामायण या श्रीमद् भागवत का पाठ करवाने के साथ साथ गरीब बच्चों को मिठाई खिलानी चाहिए। इन सब के अलावा मृत व्यक्ति के नाम पर विधि विधान के साथ तर्पण करना चाहिए। शास्त्रों का मानना है कि उस व्यक्ति के नाम पर आप जितना ज़्यादा दान पुण्य करेंगे, उतना ही वह फलदायी होगा। लेकिन दान किस रूप में करना है, यह जानकारी भी जरूरी है। कहते हैं, जो मृत व्यक्ति आपके सपने में आकर अत्यधिक क्रोध करता है, तो उसका अर्थ है कि वह आपसे कुछ चाहता है। उसकी कोई ऐसी इच्छा है जो मरने से पहले पूरी ना हो सकी। यदि वह उस इच्छा को सीधा ही बयां करता है, तो जरूर उसे उसके नाम से पूरा करें। अगर संपूर्ण रूप से इच्छा ना पता चले, तो उनके नाम पर मीठा दान कर देना चाहिए। लेकिन वे आपके सपने में आकर सीधा ही कोई काम के लिए बोलता है, तो वह काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। परंतु इसके विपरीत, यदि सपने में आने वाला मृत व्यक्ति प्रसन्न है, तो इसका अर्थ है कि उसकी आत्मा बेहद संतुष्ट है। लेकिन फिर भी आपको उनके नाम पर समय समय पर दान करते रहना चाहिए। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद ना आए, क्योंकि आधुनिक युग में बहुत से लोग हैं जो शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते। देखिए, मैं यहाँ कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दे सकता। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप उस स्वप्न को किस प्रकार ले रहे हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। ऐसी और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।